कैसे हो आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का एन बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर ट्वेंटी सेवन इस चैप्टर में जो आज हम करेंगे इंडियन एज रिलेशन विद द यूएसए एंड रशिया यानी जो हम करेंगे अमेरिका और रूस के साथ भारत का क्या संबंध है इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे वो सी से पढ़ रहे हों चाहे एन बोर्ड से पढ़ रहे हों चाहे यू बोर्ड से के बच्चे हों कोई भी बोर्ड के बच्चे हों अगर उनके सिलेबस में इंडिया एज ए रिलेशन विद द यूएसए एंड रशिया है तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा इसलिए मिस्टेक एस होने की चांसेस बहुत कम जाएगा तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तो दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो ठीक है स्टेटस पे भी लगाओ दोस्तों तो आने से सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है चाहे वो एट्थ क्लास हो नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ हो चाहे वो एनआईस बोर्ड के बच्चे हों ठीक है चाहे बी एम के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है से सेंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है दोस्तों ये तो बात था आपके लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोवियतेंट टॉपिक द रिलेशन इंडिया एंड नंबर ऑफ कॉमन फैक्ट इंडिया हैविंग बोर्न फ्रीडम फ्रॉम टू ब्रिटिश द एंटीज आइडियोलॉजी ऑफ दर सोवियत यूनियन कंपेयर वेल विद इंडिया was a specialism and often rejection of the western inspired fear about the soviet design and objective that is the most important the political relationship started to democratically improving after soviet communist parties leader as a visit to india in 1955 in the security in the soviet union supported india as a position on kashmir and is voted unacceptable. Resolution movie by the Western countries. They are highly significant a Soviet and their be are developed as a heavy industry complexes in India. During their later 1950 century, the Soviet Union give a there is a growing financial and technical assistance to the India for the development of India as a basic industry, steel, coal, and machine tool manufacturing and other public sector area. One of the landmark agreements that is a India signed with the Soviet Union was a February 1955 for the setting up of the a steel plant in the villay. The term of the Soviet and where is variable to India when to Western country was a charging 6% as a rate of interest. The Soviet Union charged only 2.5% in December 1953, India and the Soviet Union signed a long-term trade agreement. An attractive feature of this agreement was the fact that a payment for Indian import could be made in the rupees and not in a hard currency like a dollar. Trade with the Western countries by the contract was is a hardly currency for this purpose. Account of सोवियत यूनियन बेयर ओपन एंड मेंटेनिंग इन द सर्वल इंडियन बैंक द मिलिटरी सप्लाई टू द इंडियन इमर्ज अ पर्मनेंट सिंबल ऑफ इंडो सोवियत रिलेशनशिप इन नाइनटीन सिक्सटी टू जस्ट बिफोर द इंडिया चाइना वार द एम आई जी द फिंगर एयरक्राफ्ट डील विद द साइन अडेप टू द चाइनीस प्रोटेस्ट द यू एस एस आर रिप्लेस द ब्रिटिश एज द बिग्गेस्ट सप्लायर ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट The Soviet Union is a hostel a meeting of leaders of India and Pakistan in the scant January 1966. After the 1965 war, in August 1971, the Soviet and India leaders signed their uh, historic threat of the pace and uh, is a friendship and cooperation, the first of its kind that India had assigned uh, their treaty provided for the immediately is, is a mutual constellation in the case either. Country was attacked from outside. The clear list is a center. The Moscow is a standard by India on the Bangladesh question. India is a way of the reciprocated with the support to Soviet Union. After this war with Afghanistan in December 1979, India was restraining in their public statement. For India, the Afghanistan issue had been to some what is a over.

is undermined of the importance of the developing the world like india this along with the soviet russians is an approach meant with the china lead to be a temporarily downturn in the indo-soviet relation the next point is a post-soviet era after the reintegration of the soviet union in december 1991 under the new russians पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग्स क्लोज ऑफ कॉपोरे एंड द बेस्ट देर वॉर कॉल फॉर द प्रोगिक्स रिनोअबल ऑफ द टाइज विदिया डूरिंग अ विजिट टू द इंडिया इन दिन थ्री द टेरेटरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया It replaced the 1970 trade of peace, friendship, and cooperation. The security is of the earlier threat It was the abandonment, and well, there is a two countries resolved to be a continue, there is a peacefully and friendly relation. There is a most important here, and another important is a breakthrough was the agreement on the of the Ruppel, rupees exchange rate a treaty on the cooperation in a military field was also signed and the essence is confirms once again that india is would be receive cryogenic rocket engine after usa objection the india russian relations attend a new high and momentum with their sign of the declaration of strategic and French is a partnership during to visit of the russia president vladimir putin Vladimir Mir Putin, the Indian is a Prime Minister, is a Bajpai as a November 2001 visit res uh, resulting in the sign of the declarations on international terrorism. The declaration of con demanded the double standard adopted by the West on terrorism. Though the Russia is not upper power anymore, its significance for India cannot be is underestimated becoming a permanent member of security Council of una it has the power of veto further was already now the russia is the only important world power that is constantly consistently support the indian position on kashmir and cross border terrorism it's a whole pakistan responsible for the support of the religious extremism of the terrorism in this part of the world the most recent support for a kashmir come in the a form of the joint statement issued at the end of the three-day visit of Prime Minister Bajpai to the Moscow in November 2003. It is a call upon to the Pakistan to the prevent infiltration of terrorists across to the LOC and at the other point of the border into the state of Jammu and Kashmir it is also asked the pakistan to be developmental. their interest is a infrastructure in pakistan and pakistan controlled territory as a condition for the purposeful dialogues between the two centuries. among there is a permanent member of un security Counciling, russia is the most prominent and is a supporter of india as a candidate for a permanent membership in the expanded security Counciling. So Russia reminds that India is the most reliable supplier of high quality military equipment. Russia supplied to more than 70% uh, of Indian defense needs, including the state of the art and weapon system and their technology. And the major Russian defense exports include a fighter aircraft such as the MIG 21. And main battle tanks like a T 72 MI and a helicopter anti tank missile, anti ship missile, sub submarine, nuclear submarine of the Akula 2 class. And the aircraft carried to such as a Gorkhov Gorkho in the Mark deal in January 2004. India has agreed to the buy there is a refossage to the umbrella Gorkhovs among their 12 milk and 20 29 fighter aircraft. The aircraft carrier will be uh, delivered to India by 2008, and defence cooperation between India and Russia is not limited to the procurement, but include the production of many of these weapon systems in India. Example: MSG-27M and Sukhoi-30MK and T-72 tank, etc. It is also cover area like a joint research and development and service to service cooperation. One of the most striking uh, examples in the Indo Russian joint of endeavor to the develop uh, manufacture and market a uh, supersonic is a flying faster than the speed of sound. And these ships is a crossing missile system, Como. India and Russia have a enjoyed to strongly historical ties in the present of international securities. Their view of the world is a concide their large extent. There is the further complemented by the maturity of their security and economical interest. Indo-Russian trade, it is the biggest link in a otherwise excellent relationship. But the economical interaction between the two is a countries is a brightened by the cooperation in new areas like energy and security. There are contain areas in which there are bilateral is a cooperation between the two countries, is the looking up, energy cooperation, is one of them. India is emerging as a large consumer of energy. Russia has oil and gas reserve and it is exp expenses of a thermal, hydropower, and nuclear energy sector will be is a crucial and ensuring India has energy security in the future. A number of Thermal and hydropower project have already been built with the Soviet-Russian collaboration. India is a submission goal in their field of nuclear energy, need a Russian help and It is the all-important nuclear power which is a ready to cooperate with the India in the atomic energy sector. यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है सोवियत संघ से भारतीय संबंध देखिए भारतीय संबंध देखा जाए सोवियत संघ से तो बहुत गहरा है जैसे हमने अमेरिका के संबंध में देखा था कि अमेरिका के संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिला और ये सब कारण था पाकिस्तान कहते हैं लेकिन सोवियत संघ के संबंध जो है भारतीय खेमे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और जो कहते हैं सोवियत संघ ने भारत को सभी सदैव सपोर्ट ही किया है हर क्षेत्र में सपोर्ट किया है चाहे पोखर में परमाणु परीक्षण हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो चाहे हमारे समुद्र में जो है बड़े बड़े जो जहाज़ देने की बात हो या मिसाइल देने की बात हो सोवियत संघ हमेशा ही भारत के पक्ष घर रहा है इसलिए सोवियत संघ से भारतीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है इसी पे हमारा जो आज जो है विचार है उस पर हम प्रकट करेंगे और देखेंगे कि और सोवियत संघ ने हमारे भारतीय संबंधों में किस प्रकार जो है अपनी जटिलता को यहाँ प्रदर्शित किया है कहते हैं भारत सोवियत संघ के बीच संबंध कुछ संयुक्त घटकों पर आधारित थे भारत द्वारा अंग्रेजों ने से स्वतंत्रता प्राप्त करना और सोवियत संघ की समाजवाद विरोधादी विचारधारा एक दूसरे से मेल काफी खाती थी यानी भारत और सोवियत संघ की विचारधारा कई मानने में जो था एक जैसा ही था इस कारण भारत में सोवियत संघ के उद्देश्य एवं गतिविधियों के प्रति पश्चिम द्वारा प्रचलित कई डर नहीं था यानी पश्चिम से हमें कोई डर नहीं था क्योंकि भारत और सोवियत संघ के उद्देश्य और गतिविधियाँ एक जैसे ही थी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की जो उन्नीस में भारत यात्रा के बाद राजनीतिक संबंध में तीव्रता से सुधार हुए और सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर भारत का समर्थन करते हुए नजर आया ठीक है देशों द्वारा इस मामलों में लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपनी बीटो शक्ति का प्रयोग भी किया गया यानी देखा जाए तो सोवियत संघ ने बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर योगदान दिया जहाँ पर जो है बीटो शक्ति का प्रयोग भी भारत के पक्ष के लिए किया सबसे महत्वपूर्ण सहायता सोवियत संघ द्वारा भारत में भारी उद्योग विकसित करने में भी भारत का कभी हमेशा सहयोग दिया है 1950 के अंतिम वर्षों में सोवियत संघ ने भारत के आधारभूत उद्योग विकास तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र जैसे इस्पात कोयला मशीनी उपकरण निर्माण के लिए पब्लिक सेक्टर में बहुत अधिक आर्थिक और तकनीकी सहायता खुलकर प्रदान किया गया सोवियत संघ के द्वारा भारत ने सोवियत संघ के साथ 1955 में एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए जो भिलाई में एक इस्पात उत्पाद निकाय के उत्पादन के लिए किया गया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारत के अर्थव्यवस्था के लिए सोवियत संघ सो, द्वारा जो की सहायता की शर्तें भारत के पक्ष में थी यानी सोवियत संघ ने जो भी शर्त रखा वो भारत के फेवर में थी जब अन्य पश्चिमी देश छः पॉइंट पाँच प्रतिशत की ब्याज दर वसूल रहे थे सोवियत संघ केवल दो पॉइंट पाँच प्रतिशत ही ब्याज भारत से ले रहा था अब देख सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट जो योगदान सोवियत संघ ने दिया जहाँ छः पॉइंट पाँच प्रतिशत अन्य देश वसूल रहे थे वहीं पे सोवियत संघ केवल टू पॉइंट फाइव प्रतिशत ही ब्याज सुल रहा था इसे ये पता चलता है कि भारत का संयोगिक रूप में सोवियत संघ महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था दिसंबर उन्नीस सौ में भारत और सोवियत संघ में एक लंबी अवधि के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए इस समझौते का आकर्षक पहलू था कि भारतीय आयात के लिए भुगतान डॉलर या अन्य करेंसी में न करके रुपए में की जा सकती थी ये बहुत बड़ी बात थी सोवियत संघ की उदार दिली का क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर डॉलर सभी देश मांग रहे थे या अन्य करेंसी मांग रहे थे जो है सोवियत संघ ने भारत से सिर्फ रुपये में ही जो है व्यापार करने की प्रोत्साहन दिया इसके विपरीत पश्चिमी देशों के साथ व्यापारी लेन देन डॉलर में था ठीक है लेकिन सोवियत संघ डॉलर न लेके रुपये में किया जो कि बहुत बड़ी बात थी इस उद्देश्य हेतु विभिन्न भारतीय बैंकों में सोवियत संघ के खाते खोले गए और उन्हें चालू रखा गया भारत को सैन्य आपूर्ति भारत सोवियत मित्रता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर उभरी कहते उन्नीस सौ बासठ में ठीक भारत चीन युद्ध से पहले चीन के विरोधों के बावजूद भी मिंग लड़ाकू विमान जो सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे अब तक तक जो लड़ाकू विमान की आपूर्ति करने वाले ब्रिटेन का स्थान सोवियत संघ ने ले लिया था यानी सोवियत संघ जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उस समय दिया जब भारत को बहुत जरूरी थी यानी भारत चीन जब युद्ध हो रहा था उस समय सोवियत संघ ने जो है अपनी मित्रता का सबसे बड़ा सबूत दिया उन्नीस में भारत पाक युद्ध के बाद सोवियत संघ ने भारतीय और पाकिस्तान नेताओं की जनवरी उन्नीस में जो है तशाकंद में एक बैठक बुलाई उन्नीस में भारत और सोवियत संघ के नेताओं में शांति मित्रता और आपसी सहयोग की एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए जो, किए जो इस प्रकार की पहली संधि थी इस संधि के अंतर्गत यदि दोनों में से किसी पर भी बाहरी आक्रमण होता है तो दोनों तुरंत ही पार्परवाही सलाह मशवरा करेंगे और यह स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश मामलों में मास्को भारत का पक्ष लेने के वचनबद्ध है भारत ने भी सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1979 में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले के समय उसका सहयोग दिया था जिससे जो है अमेरिका का संबंध खराब हो गया था यानी वो वही मोड़ थी वही समय था जब अमरीका ने अपना संबंध तोड़ लिया था क्योंकि सोवियत संघ का सहायता करना भारत के लिए जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ था बहुत ही अच्छा था और मित्रतापूर्ण थी लेकिन कहते हैं इसके वजह से जो था अमेरिका जो है संबंध तोड़ लिया था भारत से सार्वजनिक जो है बयानबाजी के मामले में भारत ने नियंत्रण बरता उस समय और भारत के लिए अफ़ग़ानिस्तान मामला अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किए गए सैन्य संयोग से कम महत्व का नहीं था मिखाइल गौर ने जो है उन्नीस पचासी में सत्ता में आने के बाद सोवियत विदेशी संबंधों में एक बड़ा परिवर्तन लाया अब सोवियत संघ का ध्यान अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ परम्परा लाभ के रिश्तों को बनाए में लगने लगा ये आपको भी पता होगा कि मिसाइल गोल जो थे वो ऐसा चाहते सबसे मित्रतापूर्ण अपना जो संबंध स्थापित करना चाहते थे चाहे वो अमेरिका क्यों न हो कॉमन यूरोपियन होम बनाने के... कि उसके प्रयासों ने भारत जैसे विकासशील देशों को महत्व को कम कर दिया चीन के साथ सोवियत संघ के भाईचारे के प्रयासों से भारत के संबंध में अस्थायी रूप से गिरावट आने लग गई कहते ये वो मोड़ थी जहाँ पर सोवियत संघ से जो था काफ़ी हद तक भारत का जो है मित्रता गिरावट के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि सोवियत संघ चीन के साथ भाईचारे का जो है संबंध स्थापित करने लगा था उसके पश्चात देखा जाए तो सोवियत संघ के बाद का युग काफी इम्पोर्टेंट था इस समय भी काफी इंपोर्टेंट ही निभाया कहते दिसंबर उन्नीस सौ इक्यानवे में सोवियत संघ विघटन के पश्चात नए रूसी राष्ट्रपति वेरिस योथोसिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ धनी संबंधों को कायम रखा और भारत के साथ व्यापारिक नवीनीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया उन्नीस में योथोसिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए इस समझौते ने उन्नीस के शांति मित्रता और सहयोग के समझौते का स्थान लिया पिछली संधि का सुरक्षा अभिबंधन हटा दिया गया और शांति तथा मित्रता बरकरार रखने का जो है फैसला किया गया एक अन्य निर्णय रुपये और रूबल में मुद्रा विनियम पर समझौता होना था कहते हैं सैन्य क्षेत्र में भी संयोग की एक संधि महाशासन हुए जिसमें क्षेत्र ने यह विश्वास दिलाया कि अमेरिका द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद भी रूस भारत को जो है कैजोनेटिक्स रॉकेट इंजन देगा जो कि बहुत बड़ा संयोग था कहते हैं वो वह समय था जब सोवियत संघ के जो युग खत्म हो गया था यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया था फिर भी कहते हैं रूस के राष्ट्रपति ज्योति बेरिसन उसने बहुत काफ़ी इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट संयोग भारत के साथ निभाया कहते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के भारत दौरे के समय जब राजनीतिक हिस्सेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए तो भारत रूस संबंधों सम, के नई ऊंचाई और संवेग प्राप्त हुआ भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नवंबर 2001 में यात्रा के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए और इस घोषणा ने आतंकवाद पर पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंड को निंदा की गई और ये जो थी बहुत इंपॉर्टेंट हस्ताक्षर थे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय के दौरान हुआ था यद्यपि रूस अब मां शक्ति नहीं रहा परंतु भारत के लिए इसकी महत्ता को कम नहीं आका जा सकता है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सारी सदस्य होने के कारण यह अपनी निषेध अधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता था और जैसा कि आप जानते ही हैं कि रूस केवल एक ऐसी विश्व शक्ति है जिसने कश्मीर और सीमा पर आतंकवाद में आतंकवाद में भारत की स्थिति का सदैव ही समर्थन किया है और भारत का सदैव ही साथ दिया है यह पाकिस्तान के संसार के इस भाग में धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद अं फैसले

और इसलिए पाकिस्तान से आग्रह भी किया गया कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी नियंत्रण क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों को समाप्त कर दे जिससे कि दोनों देशों के बीच जो है सार्थक वार्ता हो सके संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूस भारत सदस्यता का सदैव ही समर्थन समर्थन करता है और वाले प्रमुख और मुख्य देश में से एक माना जाता है जो विश्व सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता चाहता है रूस भारत के लिए सबसे भरोसेमंद सस्ते परंतु उच्चतम गुणवत्ता वाले सैन्य उपकरण की आपूर्ति करने वाला देश में माना जाता है भारत की रक्षा संबंधी आवश्यकता है जिसमें आधुनिक अस्त्र और तकनीक भी शामिल है कि सत्तर प्रतिशत आपूर्ति रूस ही करता है रूस के रक्षा निर्णयों में लड़ाकू विमान जैसे मिस ट्वेंटी युद्ध टैंक टी ट्वेल सेवेंटी टू एम एल हेलीकॉप्टर टैंक रोधी मिसाइल जहाज रोधी मिसाइलें पंडुबियाँ नाभिकीय पंडुबी, अकाला टू और विमान बाग गोसखो गोसखोबो आदि शामिल है जनवरी दो हज़ार चार में एक महत्वपूर्ण तो सौदे में भारत ने जो है बारह मिग ट्वेंटी नाइन लड़ाकू विमानों के साथ एडमिरल घोसघोस की खरीदना स्वीकार किया था योस खोभ की काफी महत्व रहता है विमान बाहर 2008 तक भारत को पहुंचा दिए जाएंगे भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग केवल सरकारी खरीद तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे भी बहुत अधिक है जैसे कि मिग ट्वेंटी सेवन एम सुखोई तीस एम के टी सेवेंटी टू टैंक आदि भारत कहते भारत में उत्पादन करना भी शामिल है कि भारत में इन सारे चीज़ों के जो है उत्पादन किया जाएगा इसमें रूस ने काफ़ी समर्थन दिया था इसमें संयुक्त शोध और विकास और कहते हैं एक रखाव की सहयोग भी शामिल था भारत रूस संयुक्त प्रयास का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण ध्वनि से तेज चलने वाली एंट्री शिप क्रूज मिसाइल ब्रोस को उत्पादित करना और बेचना ये सबसे बड़ी ज्योति रूस के द्वारा भारत के दिया गया जो है उपहार थी भारत और रूस के बीच जो है मजबूती इतिहासिक संबंध रहे हैं वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिषद में विश्व के बारे में दोनों के विचार बहुत अधिक मेल खाते हैं उनके सुरक्षा और आर्थिक हित इसे और मजबूत बनाते हैं सभी प्रकार के उच्चतम संबंधों में भारत व्यापार सबसे कमजोर कड़ी है परंतु दोनों देशों के बीच आर्थिक अनियुक्त क्रियाएं ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग से और अधिक तेज हो गई है कुछ अन्य क्षेत्रों में भी दोनों द्विपक्षीय सहयोग के लिए अशांत वित्त है उनमें से एक क्षेत्र ऊर्जा सहयोग भी है भारत ऊर्जा का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बनकर उभरा है और रूस के तेल और गैस के भंडार तथा तापीय है। कहते हैं जल विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा शक्ति में इसकी विशेषता भविष्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण तो योगदान देगा शोभित यानी रूस के सहयोग से दापी और जल विद्युत शक्ति के कई संयंत्र यहाँ तैयार किए जा चुके हैं नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत को लक्ष्य को रूसी सहायता की आवश्यकता है क्योंकि केवल रूस ही वो नाभिकीय शक्ति है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने को तैयार है क्या देखा जाए तो सब जानने के बाद हमें यह पता लगा है कि अमरीका ने समय समय पर भारत से रिश्ता तोड़ा है लेकिन सोवियत यूनिट जो पहले था सोवियत यूनिट उसके बाद रूस कई देशों में कन्वर्ट हो गया लेकिन भारत से जो है रिश्ता कभी नहीं तोड़ा और सदैव ही भारत के समक्ष सदैव ही भाईचारे की भावनाओं से खड़ा रहा जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था बहुत जरूरी था उन सभी बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में जो था जो अमेरिका के साथ संबंध और रूस के साथ या सोवियत संघ के साथ संबंध ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना भूल इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है ठीक है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगर आप दोबारा से त्रिपाण तिरपाणश्री सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस् कर देगा ठीक है जो आप गूगल पर सर्च करेगा वो तिरपस् कर देगा जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे तो सोचिए मत विचार मत कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आप सोचते हो ही कि मेरे स... जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से ठीक है तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है क्यों क्योंकि ये जो है आपके एथ क्लास नाइन्थ टेंथ इलेवन टवेल्थ जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है प्लस जो है ये एन आई सी बोर्ड के जो है टेंथ प्लस टू को भी कवर करता है साथ में बी ए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में तो सोचिए नहीं विचार नहीं कीजिए काफ़ी जो है तिरपान स्टेशन का फ़ायदा ही फायदा है ठीक है अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फायदा पहुँचाएगा एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं तो अभी भी नहीं सोचिए मेरा जितना आप फैलाइएगा जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा ठीक है दोस्तों इसे सोचिए मत विचार मत कीजिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ठीक है दोस्तों अपना ध्यान रखना बाय